Okay, let's start with a new chapter, and that is called circle. ठीक है, सबसे पहले तो define कर लेते हैं. First, circle is a locus of a point whose distance from a fixed point is constant. ठीक है, एंड उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. सो आई होप ये सर्कल तो सबको पहले से पता ही होगा. ये तो हमने ऐसी फॉर्मली डिफाइन किया है. ठीक है, तो मान लिया अगर एक पॉइंट सी दे रखा है विच इज सेंटर, उससे हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लिया आर की डिस्टेंस पे, एक पॉइंट ये सी दे रखा है, इससे आर की डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब पी, जितने भी पॉइंट्स पी टाइप के, उन सबको कलेक्ट किया, उन सबको ज्वाइन किया, तो ऐसे करने से जो डायग्राम बनेगा दैट इज़ कॉल्ड सर्कल. तो इसमें ये सर्कल है, आई होप यू नो दिस इज रेडियस एंड सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गया. ठीक है, नाइन टेन में शायद सर्कल की काफ़ी प्रॉपर्टी पढ़ा होगा. तो व्हाट विल डू बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फॉर्मली, हम एक बार उन प्रॉपर्टीज़ को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, एंड आई एम श्योर यू नो ऑल द प्रॉपर्टीज. ठीक है, सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फिर रिजल्ट बोल लो ऑफ सर्कल. ठीक है, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन सेज कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल. ठीक है, अब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड्स क्लोजर टू सेंटर आर बिगर एंड द बिगेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल में अगर मान लिया हमने दो कॉर्ड लिया, ठीक है, ये सेंटर है, तो एक कॉर्ड इससे मान लिया अल्फा की डिस्टेंस पे, दूसरा कॉर्ड मान लिया सेंटर से बीटा की डिस्टेंस पे. तो इस वाले केस में क्लोज़र कौन हो गया, एक कॉर्ड मान लिया ए बी है और एक कॉर्ड मान लिया सी डी है, तो अल्फा इज़ लेस देन बीटा. ये ठीक है, दिस डिस्टेंस इज अल्फा, तो दैट मीन्स ए बी विल बी बिगर कॉर्ड, तो ए बी विल बी ग्रेटर देन सी डी. तो अब इसी को यूज़ करके फर्स्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं कि अगर दो इक्वी डिस्टेंट है तो उनमें से कोई भी बिगर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब वो कॉर्ड्स इक्वल होगा. ठीक है, और सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, ऑफकोर्स डायमीटर. एंड आई होप डायमीटर पता है क्या होता है, सेंटर से पास करने वाली कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं. ठीक है, देन प्रॉपर्टी थ्री, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लिया कोई भी ये कॉर्ड है और ये सेंटर सी है, कॉर्ड ए बी है, तो अगर मैंने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ये विच इज़ एम,
वो स्क्वाड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो इस डायग्राम के हिसाब से ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया या तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी फोर क्या है, अ कॉर्ड मेक्स कॉन्स्टेंट एंगल, ये ठीक है, एट सरकमफ्रेंस एंड विल मेक ट्वाइस ऑफ दिस एंगल एट सेंटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है वापस, कि मान लिया एक सर्कल का हमने कोई भी कॉर्ड लिया, से ये कॉर्ड लिया, ठीक है, दिस इज सेंटर, तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लिया हमने ये पॉइंट पी वन लिया, अगर ये कॉर्ड विच इज़ ए बी अगर सर्कमफ्रेंस में यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो इसके सारे पॉइंट्स पे थीटा बनाएगा, तो मतलब हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया मान लिया ये, तो इस पे भी एंगल विल बी थीटा, इस पॉइंट पे भी एंगल विल बी थीटा एंड सो ऑन। ये ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो सेंटर पे एंगल होगा, ठीक है, डिफरेंट कलर में ले लेते हैं, सेंटर पे जो एंगल होगा वो इस एंगल का ट्वाइस होगा, तो दिस एंगल विल बी टू थीटा। ठीक है, अच्छा ये पता है कि दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, जो भी कॉर्ड होगा वो पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट है, तो दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। ठीक है, तो मेजर आर्क और माइनर आर्क पे जो एंगल होगा वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा, मतलब अगर इस साइड में इधर बड़े वाले आर्क पे सब जगह अगर थीटा बन रहा है, तो इधर कितना एंगल बनेगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हम ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल है इधर वाला, ये इसका डबल होगा सेंटर पे जो एंगल है, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम और क्या क्या बोल सकते हैं इसी पॉइंट से, कि एंगल मेड एट मेजर आर्क विल बी एक्यूट, एक तो ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली एंगल मेड एट माइनर आर्क विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक है, और तीसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ये एंगल थीटा है और ये पाई माइनस थीटा है, तो जो मेजर आर्क और माइनर आर्क पे एंगल होगा एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा, एंगल्स मेड एट मेजर एंड माइनर आर्क विल बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये ठीक है, इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, कि जैसे मान लिया कोई भी कॉर्ड मैंने ये ए बी लिया, ठीक है, इसको मेजर आर्क के किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइन किया, माइनर आर्क के किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ए बी मान लिया ये पी है ये क्यू है, तो जो ए पी बी क्यू है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल से एक सर्कल पास कर सके, अगर हमें कोई भी तीन पॉइंट दिया जाए, जैसे मान लिया मैंने ए बी और क्यू दिया, तो तीन पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो तो यूनिक होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि चार पॉइंट कोई भी चार पॉइंट ले लो वो एक सर्कल पे लाई करेगा, अगर मान लिया ए बी और क्यू मैंने फिक्स कर दिया तो सर्कल फिक्स हो गया, अब अगर पी भी इसी पे लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, अगर पी इस सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, पी तो ऐसे भी हो सकता है यहाँ हो जाए, तो फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ए क्यू बी और ये मान लिया पी डैश, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है,
तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होगा कि जो ऑपोजिट एंगल होगा उनका सम पाई होगा, ऐसे बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो कि ऑपोजिट एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो क्या क्या हमने टर्म इंट्रोड्यूस किया कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए क्यू बी पी इज कॉल्ड साइक्लिक, ये ठीक है। नोट दैट कि ए क्यू बी पी डैश इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर मेरे दिमाग में ये उठेगा कि हो सकता है कोई दूसरा सर्कल पास कर जाए ए क्यू बी पी डैश से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल जो है वो फिक्स होता है। उसका मतलब है कि ए बी और क्यू से पास करने वाला एक ही सर्कल हो सकता है, वो ये जो हमने बना रखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई दूसरा सर्कल नहीं आ सकता जो पी डैश से भी पास कर जाए, क्योंकि ए बी क्यू से तो यही सर्कल पास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि जो पॉइंट्स हैं ए क्यू बी एंड पी आर कॉल्ड कंसाइक्लिक पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड कंसाइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमने क्या बोला था कि ये जो ऑपोजिट एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा पाई माइनस थीटा। सिमिलरली अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा पाई माइनस अल्फा। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 और पाई। ये हमारा नया प्रॉपर्टी हो गया। तो जो प्रॉपर्टी फोर है उसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, दिस इज पी फोर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज पी फाइव। ठीक है, नॉर्मल तुम्हें पता है क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, केवल इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसके परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट लाइन्स आ जाएगा, तो वो इनफाइनाइट लाइन्स थोड़ा नॉर्मल होगा। नॉर्मल हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल जैसे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये जो ऐड करना जरूरी है। तो जैसे अगर ये सर्कल है, इसके किसी भी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा ये, तो इस लाइन के तो इनफाइनाइट लाइंस परपेंडिकुलर आ जाएगा इसके, बट उसमें से नॉर्मल कौन सा होगा जो उसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और सर्कल में प्रॉपर्टी क्या होता है, ये वाला पॉइंट अगर पी है तो दिस इज टेंजेंट एट पी एंड दिस लाइन इज नॉर्मल एट पी। ठीक है, सर्कल में प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। तो फर्स्ट सर्कल नॉर्मल, नॉर्मल एट ईच पॉइंट पासिस थ्रू इट्स सेंटर, ये ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होगी। फिर पी सिक्स, ठीक है, अभी हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी हमने क्या बोला कि जो कॉर्ड ए बी होगा वो इस मेजर आर्क पे एक्यूट एंगल बनाएगा और सारे पॉइंट्स पे एंगल फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जो मेजर आर्क है इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज लोकस ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी मेक्स ए कॉन्स्टेंट एंगल। ए बी क्या है, ए और बी कोई भी दो गिवन फिक्स्ड पॉइंट है, तो वो इस मेजर आर्क के सारे पॉइंट पे कॉन्स्टेंट एंगल बनाएगा। अच्छा, अगर मेजर आर्क से हम बाहर जाएं तो एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेट मी शो। जैसे मान लिया ये एक सर्कल है, ये कोई भी हमने कॉर्ड ले लिया ए बी, तो अगर मैंने मेजर आर्क पे कोई भी पॉइंट लिया तो वहाँ तो एक फिक्स्ड एंगल आएगा, जैसे थीटा, ये थीटा है, कोई दूसरा पॉइंट लिया ये भी थीटा है। ठीक है, बट अगर इसके बाहर जाऊँ ऐसे करके तो ये जो एंगल अल्फा आएगा दैट विल बी लेस देन थीटा, और अगर हम अंदर लें कोई पॉइंट, मान लें एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो इस पे जो एंगल आएगा ये
वो मान लिया बीटा है, वो थीटा से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा अगर ए और बी गिवन फिक्स्ड पॉइंट है, तो हमने अगर ऐसे सारे पॉइंट्स ढूंढे जिनके ऊपर एंगल थीटा बन रहा है, तो वो इसी मेजर आर्क पे लाई करेगा, ठीक है। सिमेट्री से अगर इस सर्कल को मैं ए बी के अराउंड पलट दूँ, फ्लिप कर दूँ, तो एक सर्कल नीचे भी आ जाएगा जिसका मेजर आर्क इधर आ रहा होगा, ऐसे करके माइनर आर्क इधर आ रहा होगा। तो अब बेसिकली मैं अगर ये बोलूँ कि वो सारे पॉइंट बताओ जहाँ पे दो गिवन फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी एक कांस्टेंट एंगल थीटा बना रहे, तो वो सारे पॉइंट जो आएंगे वो वन ऑफ द मेजर आर्क पे आएगा। मतलब एक सर्कल तो मान लीजिए ये हो गया, और दूसरा इक्वल सर्कल ये हो गया, ठीक है। नॉट लुकिंग लाइक इक्वल, बट समझ जाओ कि इक्वल है। ये मान लिया ए है, ये बी है। तो अगर मैंने बोला कि वो सारे पॉइंट जिस पे ए बी मेक्स एन एंगल थीटा, तो वो सारे पॉइंट इस पे लाई करेगा, या तो इस मेजर आर्क पे या फिर इस मेजर आर्क पे, ये ठीक है, माइनर आर्क पे नहीं, इसके बाहर। ये जो ए टाइप शेप हो गया, ये तो इस टाइप का शेप हो गया, ए टाइप, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो इस एट की बाउंड्री पे अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, देन एंगल विल बी फिक्स्ड एंड दैट इज से थीटा, ठीक है। इस एट की बाउंड्री के अंदर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, देन एंगल विल बी ग्रेटर देन थीटा, और अगर बाहर पॉइंट लिया तो एंगल विल बी लेस देन थीटा, चाहे कहीं पे भी ले लो, ठीक है। तो इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऑल द पॉइंट्स वेयर टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स ए कॉमा बी मेक्स एन एंगल थीटा विच इज़ ए कॉन्स्टेंट एंगल। मतलब हमने कोई भी मेजर बता दिया, हमने बोला कि वो सारे पॉइंट बताओ जहाँ पे ए बी पाई बाई थ्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट कहाँ पे आएंगे, इन दो मेजर आर्क में से किसी एक मेजर आर्क पे आएगा, ये ठीक है। ऑल द पॉइंट्स वेयर टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी मेक्स एन एंगल थीटा लाइज ऑन वन ऑफ द टू मेजर आर्क्स ऑफ टू इक्वल सर्कल्स, टू इक्वल सर्कल्स थ्रू ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी से पास करने वाले दो इक्वल सर्कल, मतलब दोनों का रेडियस बराबर होगा सिमेट्री से, सिमेट्रिक सर्कल, तो जैसे सिमेट्रिक फिगर। तो अगर ए बी के अराउंड मैंने रोटेट कर दिया, तो ये वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा और ये वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा, तो इक्वल होना चाहिए, तभी ओवरलैप करेगा, तभी मेरे को डायग्राम में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ओके, और इस सर्कल के अगर हम बाहर गए, तो इस सर्कल के अगर हम बाहर गए तो क्या होगा, एंगल जो है वो थीटा से छोटा आएगा। अगर इस सर्कल के अंदर आए तो एंगल थीटा से बढ़ाएगा, ठीक। तो इसलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा, ये ठीक है। लेट ए इज 2,6 एंड बी इज 8,-2, देन फाइंड एरिया ऑफ रीजन इन विच पॉइंट पी कैन मूव सच दैट एंगल ए पी बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्या दिया, दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। फिर उसने बोला है कि एक पॉइंट पी है, उस पे जो ए बी एंगल बना रहा है, ए पी बी जो है वो पी वाला एंगल होगा ट्राइंगल ए पी बी में, ये ठीक है, वो एंगल पाई बाई थ्री से बड़ा है, ठीक है। कभी भी अगर कोऑर्डिनेट में या और कहीं पे भी मैथमेटिक्स में अगर ग्रेटर देन और लेस देन करके आए, तो तुम क्या करो, पहले इक्वल्स टू लगाओ,
इक्वल्स टू से क्या होगा कि हम कर्व आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस कर्व के एक तरफ का रीज़न तो ग्रेटर देन सेटिस्फाई करेगा, एक तरफ का रीज़न लेस देन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसने बोला कि एंगल पाई बाई थ्री से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पाई बाई थ्री होना चाहिए, तो हमने ग्रेटर देन बोल के हमने बोला इक्वल्स टू पाई बाई थ्री। तो इक्वल्स टू पाई बाई थ्री से क्या आएगा, वही अभी डिस्कस कर रहे थे, एक एट टाइप का शेप आ जाएगा। तो उस एट के ऊपर तो यू विल गेट एंगल इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, एंड विद इन दैट एट यू विल गेट एन एंगल ग्रेटर देन पाई बाई थ्री। तो अगर मेरे को वो सारे पॉइंट पी चाहिए जहाँ पे एंगल पाई बाई थ्री से बड़ा है या बराबर है, तो दे शुड लाई आइदर ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस एट, या तो इसकी बाउंड्री पे आना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एंगल के मेज़र से क्या होगा कि एंगल के, जैसे यहाँ मेज़र जो है वो पाई बाई थ्री दे रखा है, अगर मैंने पाई बाई सिक्स कर दिया तो वो जो एट है उसका शेप चेंज हो जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो सर्कल्स आएंगे उनका रेडियस चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमें पता है कि बेसिकली मेरे को वो एट का एरिया निकालना है, उसका मतलब क्या है कि ऐसे करके दो इक्वल सर्कल दे रखा है और मेरे को ये बताना है कि इसके अंदर नेट एरिया क्या है। तो दैट इज़ इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि मैंने ये एरिया निकाल लिया, यहाँ तक लाइन से ऊपर ऊपर जो सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है, और उसको मैंने डबल कर दिया क्योंकि ये जो एरिया आ रहा है और जो अपर एरिया है वो बराबर होगा सिमेट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पॉइंट पी है दैट कैन मूव विद इन दिस शेप, ये ठीक है, दिस इज़ द रीज़न इन विच पी कैन मूव। ठीक है, एंड पॉइंट्स आर 2,6, 8,-2। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो लेट मी अगेन मेक अ डायग्राम। एक ये सर्कल आ गया, दूसरा सर्कल चलो बनाया नहीं हमने, पॉइंट ए क्या था 8,2 एंड बी पॉइंट क्या था 2,-6। ठीक है, तो मैंने अभी जो हमने लास्ट डायग्राम किया था वो तो कुछ ऐसे था, ये एट आएगा तो ये वाला एरिया निकाल सकते हैं इस लाइन से ऊपर ऊपर। ठीक है, अच्छा अब एरिया निकालने से पहले मेरे को सर्कल का सेंटर वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी इस सर्कल की बाउंड्री पे कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे पाई बाई थ्री, तो यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, डबल एंगल, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मिड पॉइंट आ गया, ये सेंटर है। तो जो एंगल ए सी बी है, ये जो पूरा एंगल है वो पाई बाई थ्री का डबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एंगल आधा पाई बाई थ्री होना चाहिए वापस। ठीक है, तो ऐसे बन गया, ट्राइंगल अलग निकाल लेते, ये ए है, सॉरी ये बी है, ये ए है, ये सी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एम है, सेंटर पे एंगल ट्वाइस होगा तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाई थ्री। ठीक है, अब कैलकुलेट कर सकते हैं हमें जो चाहिए। ए और बी का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो डिस्टेंस ए बी कितना हो गया, रूट ओवर 8-2 होल स्क्वायर प्लस 2-6 होल स्क्वायर विच इज़ रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज़ 10। तो ए बी अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी ट्राइंगल में बी सी कितना हो जाएगा, बी एम अपॉन बी सी साइन पाई बाई थ्री होगा, तो बी सी विल बी बी एम इंटू कोसेक पाई बाई थ्री। ठीक है, और बी सी विच इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू बी एम, बी एम इज़ 5 इंटू कोसेक पाई बाई थ्री, मतलब साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 इज रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 विच इज 10/√3। ये ठीक है, ये रेडियस आ गया सर्कल का। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे,
एरिया, सर्कुलर सेक्टर का एरिया कितना होता है? अगर ये मान लिया एक सर्कुलर सेक्टर है और ये एंगल अगर थीटा है, रेडियस अगर आर है, तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, जहाँ पे थीटा हम रेडियन में रखेंगे, अगर डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके रखा है यहाँ पे। और यू मस्ट बी नोइंग, वैसे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे, कि ये जो आर्क लेंथ है, मान लिया ए है ये बी है, तो ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ विच इज ए बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। केवल ए बी लिखने का मतलब तो क्या होगा, ये कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड ए बी, ठीक है। आर्क लेंथ कितना होता है, वो होता है आर इंटू थीटा, ये ठीक है। ये दो फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो याद कर लिया अब, ठीक है। हाँ, तो वापस हमारा एम क्या है कि एरिया निकालना है। चलो फिर एक बार और डायग्राम बना लेते हैं। अब तो मेरे को रेडियस पता लग गया, ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ये सेंटर है, ठीक है, दिस इज ए दिस इज बी, ये एंगल कितना है? 2π/3, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इधर जो बच गया 2π में से घटा दिया, इट विल बी 4π/3, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये वाला एरिया मैंने अलग निकाल लिया, ये ठीक है, इतना पोर्शन ट्राइंगल को छोड़ के ऊपर ऊपर वाला, तो ये तो सर्कुलर सेक्टर हो गया, ठीक है। सर्कुलर सेक्टर में हमने क्या बोला कि अगर ये एंगल थीटा है तो उसका एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर मेरे को ये एरिया निकालना होगा तो मेरे को ये एंगल चाहिए बस, ठीक है। तो अब हम इसको देखें, ये जो शेडेड पोर्शन है ये कितना एंगल बना रहा है? 4π/3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा विच इज़ हाफ आर स्क्वायर, सर्कल का रेडियस कितना निकला? आर कितना निकला? 10/√3, तो दैट इज 10/√3 का स्क्वायर इंटू थीटा, दैट इज 4π/3। ये रेडियन में, डिग्री में नहीं है तो रेडियन में सब्सटीट्यूट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 100/3 इंटू 4π/3, तो 3 से सॉरी ये 2 2 कैंसिल, तो आ गया 200π/9 यूनिट स्क्वायर, कोई भी यूनिट हो, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर मीटर वट एवर। ये तो अभी इतना एरिया हुआ है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया के अंदर तो ये वाला पोर्शन भी आएगा। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया हमने अलग से निकाल दिया, ठीक है। ये आर है, ये आर है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, आई होप ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। या तो ऐसे करो कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और इस ट्राइंगल से ये हाइट निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी, ऐसे करके, मतलब अगर किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कोई भी दो साइड, वो तो ए और बी हो गया, और उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन, ठीक है। तो आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला, यू कैन फाइंड अदरवाइज, मतलब ये परपेंडिकुलर लेंथ भी निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से, क्योंकि मेरे को आर पता है और ये हाफ एंगल पता है π/3, और उसके बाद बेस पता है ए बी दैट वॉज 10, तो भी एरिया निकाल सकते हैं, बट आई एम यूजिंग दिस, दिस विल बी हाफ इंटू आर इंटू आर इंटू, बीच में टोटल एंगल कितना है ट्राइंगल का, ये तो दो साइड हो गया है जिनका लेंथ कितना है आर, और आर है तो ए और बी तो आर की तरह काम करेगा, एंड यू विल गेट साइन 2π/3। साइन 2π/3 इज नथिंग बट साइन 120 डिग्री, इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री, 180 माइनस थीटा लगा के, तो दिस इज इक्वल टू हाफ अगेन आर स्क्वायर, आर इज 10/√3, तो आर स्क्वायर इज 100/3, एंड साइन 2π/3 इज साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री और साइन 60 डिग्री बराबर होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में बराबर पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो इट विल बी √3/2, ठीक है।
So this can be written as 2 to 4 25. तो ऐसे लिख सकते हैं 25 by √3/3. ठीक है, तो डेल्टा ये हो गया और एक सर्कुलर आर्क का एरिया ये हो गया. तो अब मेरे को वैसे चाहिए क्या था, एक्चुअल जो डायग्राम था वो ये था. ऐसे करके दो सर्कल थे, ठीक है, और फिर मैंने बोला कि ये जो एरिया होगा, ठीक है, उतना ही एरिया इधर आएगा. तो ऊपर वाला ये एरिया निकाल के उसको डबल कर दिया. ऊपर वाला जो एरिया है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि एक ट्राइंगल का एरिया और एक ये सर्कुलर सेक्टर का एरिया. तो अब हमारा नेट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू 2 × सर्कुलर सेक्टर का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया. तो सर्कुलर सेक्टर का एरिया इज 200 π/9. दिस इज 200 π/9 प्लस ये एरिया इज 25 √3/3. ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 9 कॉमन निकाल सकते हैं. तो दिस इज 2/9, 200 π प्लस 75 √3 यूनिट स्क्वायर. दिस विल बी द आंसर इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हाँ, तो वे वर वी प्रॉपर्टी 5 हो गया, प्रॉपर्टी 6 हो गया, देन वी डिड दिस क्वेश्चन. प्रॉपर्टी 6 हो गया, तो नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी 7. ठीक है, अगर मान लिया कोई भी ऐसे सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लिया ये पॉइंट पी पे, ठीक है, फिर यहाँ से पी से एक कॉर्ड लिया हमने, पी से पास करने वाला कोई भी एक कॉर्ड लिया, क्यू, पी क्यू मान लिया. तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है ये इस सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा ये, ठीक है, इस मेजर सेगमेंट में हर जगह एंगल जो आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, वो मान लिया थीटा है. तो प्रॉपर्टी क्या है, देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. ठीक है, तो जो कॉर्ड है वो इस टेंजेंट से इस साइड में थीटा बना रहा है, तो जो उसके दूसरी साइड में आर्क आया, मतलब ये वाला, ठीक है, जिस साइड में एंगल थीटा बना रहा है उस साइड में तो ये वाला आर्क है, बट इसके दूसरे वाले साइड में कौन सा आर्क है, ये वाला, तो उस आर्क पे सेम एंगल बनाएगा जो भी ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ बना रहा है. ठीक है, तो अगर मैं एंगल को देखूं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मान लें अगर ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये जिस साइड में एंगल अल्फ़ा बना रहा है उससे दूसरी साइड में आर्क इस पर ये हो गया, तो यहाँ पे ये अल्फा ही एंगल बनाएगा. ठीक है, तो पी क्यू एक कॉर्ड हो गया, पी उसका वन ऑफ द एंड पॉइंट हो गया कॉर्ड का, फिर उस वन ऑफ द एंड पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा, उस टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच का जो एंगल है ये, ठीक है, दैट विल बी सेम एज द एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, दूसरे वाले सेगमेंट में, तो जिस तरफ एंगल बनना है उसके दूसरी वाली साइड. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू सी द प्रूफ दैट इज़ ऑल्सो फेयरली सिंपल. जैसे ये मान लिया सेंटर है ये, ठीक है, ये मान लिया कॉर्ड है क्यू पी. अगर सेंटर को मैंने पॉइंट पी से ज्वाइन किया तो ये नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो दिस शुड बी 90 डिग्री. ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो इधर एंगल कितना बचा, ये 90 − θ. तो अगर मैंने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल आ गया. सी पी एम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये 90 − θ है तो इधर वाला एंगल कितना बचा, थीटा. ठीक है, तो एम मिड पॉइंट है, तो जो पी एम है वो सी पे थीटा बना रहा है. तो अगर मैंने सी को क्यू से ज्वाइन किया तो एंगल डबल हो जाएगा, इधर भी थीटा आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं. तो अब क्या हुआ कि जो पी क्यू है वो सेंटर पे 2 θ बना रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है वो सेंटर वाले एंगल का आधा होता है, तो दिस शुड बी 2 θ/2 θ. इसलिए दिस टू एंगल शुड बी इक्वल. ठीक है, तो ये
हमारा प्रॉपर्टी सेवन था, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू राइट राइट इट इन अ लैंग्वेज देन आई कैन से कि एंगल मेड बाय टेंजेंट एट ए पॉइंट विद कॉर्ड थ्रू दैट पॉइंट. ठीक है, तो एंगल मेड बाय अ टेंजेंट एट ए पॉइंट, यहाँ पे मान लिया पी, विद ए कॉर्ड थ्रू दैट पॉइंट. ये ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी कॉर्ड उठा लिया, वही वो वाला कॉर्ड जो उसी पॉइंट से पास करे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पी क्यू विल बी सेम एज एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट सेगमेंट. ठीक है, ये लैंग्वेज में हो गया ये प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी सेवन. नाउ विल गो टू प्रॉपर्टी एट. प्रॉपर्टी एट सेज कि अगर मान लिया एक सर्कल का कोई भी दो कॉर्ड लिया हमने ऐसे, ठीक है, वो मान लिया पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ए है, एक कॉर्ड ए बी हो गया, एक कॉर्ड सी डी हो गया. ठीक, तो पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर हमने ऐसे बोला कि पी से हमने दो कॉर्ड खींचा, एक कॉर्ड ए बी हो गया, उसके सेगमेंट क्या क्या हो गए, पी ए एंड पी बी, ये दो सेगमेंट हो गए उस कॉर्ड के. ऐसे जो दूसरा कॉर्ड है सी डी, उसके दो सेगमेंट क्या हो गए, पी सी एंड पी डी. तो प्रॉपर्टी क्या है कि सेगमेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, मतलब पी ए इंटू पी बी, पी ए मतलब पी ए लेंथ जो आएगा, इंटू पी बी जो लेंथ आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पी से तो ऐसे करके इनफाइनाइट कॉर्ड पास कर जाएगा, ये मान लिया एक और आ गया ई एफ, तो इन सभी के लिए जो सेगमेंट का प्रोडक्ट है, जैसे एक कॉर्ड के लिए पी ए और पी बी दो सेगमेंट हो गए, दूसरे कॉर्ड के लिए पी सी और पी डी हो गया, तीसरी कॉर्ड के लिए पी ई एंड पी एफ हो गया, इन सब का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, फिक्स नंबर आएगा. तो अगर पॉइंट पी फिक्स है तो इनके पी से पास करने वाली कॉर्ड्स के सेगमेंट का प्रोडक्ट, कॉर्ड के सेगमेंट की लेंथ का प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट. ये ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है. अब जो पॉइंट पी है वो सर्कल के अंदर भी हो सकता है एंड बाहर भी हो सकता है. ठीक है, तो ये तो एक हो गया. अगर मान लिया सर्कल के बाहर है, जैसे मान लिया ये सर्कल है और पॉइंट पी मान लिया यहाँ पे, ठीक है, तो अब इस वाले केस में ये ए बी कॉर्ड हो गया बी ए. ठीक है, तो ये एक सेगमेंट हो गया और ये दूसरा सेगमेंट हो गया, मतलब पी से जो जो भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका डिस्टेंस. अब मान लिया मैंने एक और कोई दूसरा कॉर्ड खींचा सी एंड डी, तो इसके एक सेगमेंट पी सी और पी डी हो गया. ठीक है, तो अगर पॉइंट बाहर है तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, पी ए इंटू पी बी विल बी पी सी इंटू पी डी. अगर पॉइंट पी बाहर है तो उससे एक टेंजेंट भी खिंच जाएगा, ठीक है, ऐसे करके. और मान लिया ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज टी. अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सी डी कॉर्ड है ये, ठीक है, ये वाला जो कॉर्ड है इसको हमने पी पे फिक्स करके रोटेट करना शुरू किया. तो जैसे रोटेट करते रहेंगे तो यू विल गेट डिफरेंट कॉर्ड्स, बट सभी के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट आएगा वो कॉन्स्टेंट ही आएगा जब तक पी पॉइंट हमारा फिक्स है. तो ऐसे रोटेट करते करते एक बार क्या होगा कि जैसे मान लिया एक कॉर्ड ये आया फिर ये आया, इन सब के लिए सेगमेंट बराबर. तो तुम्हें ये दिख रहा है कि ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पास में आते जा रहे हैं. तो एक सिचुएशन में क्या होगा, जब ये टेंजेंट बनेगा तो सी और डी दोनों ही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो जो सेगमेंट का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पी सी इंटू पी सी, सी और डी दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गए. तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने क्या बोला है टी, तो इसको भी हम एक कॉर्ड बोल सकते हैं जीरो लेंथ का, तो उसके लिए सेगमेंट क्या हो गया पी टी एंड फिर पी टी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पी टी इंटू पी टी विच इज पी टी स्क्वायर. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के थ्रू जो सर्कल के अगर कॉर्ड्स खींचे गए तो उनके सेगमेंट के लेंथ का प्रोडक्ट विल बी कॉन्स्टेंट,
पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो फिर उस पॉइंट से एक टेंजेंट भी खिंच जाएगा। देन दिस प्रोडक्ट, जो कांस्टेंट प्रोडक्ट आया, वो किसके बराबर होगा? उस टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ठीक है, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट। मैं बोलूँ कि पी से एक टेंजेंट खींचा, उसका लेंथ क्या है? तो जो पी से टेंजेंट खींचा वो पी टी है, तो उसका लेंथ क्या होगा? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, दैट इज़ पॉइंट टी। तो टी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो इन सब प्रोडक्ट के बराबर आएगा, दैट यू कैन सी। वो हमने तुम्हें वैसे भी बता दिया, ठीक है, मतलब कॉर्ड को घुमा घुमा के बता दिया, यू कैन विजुलाइज के हाँ सही हो रहा है। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट तो अब तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। मान लिया ये एक पॉइंट दे रखा है, तो इससे तो ऐसे करके इनफाइनाइट कॉर्ड पास हो जाएगा। चलो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर मैंने इस पॉइंट पी को सेंटर से ज्वाइन किया और फिर वहाँ से सेंटर के परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, तो मान लिया ये ए है, ये बी है, ये कोई दूसरा कॉर्ड सी डी हो गया, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी को मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर एक कॉर्ड ड्रॉ किया, तो वो भी एक कॉर्ड होगा इन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में से। उस कॉर्ड को मान लिया मैंने क्यू आर बोल दिया, ठीक है, तो क्यू आर के लिए जो पी सी है वो परपेंडिकुलर है, या फिर जो पॉइंट पी है वो सी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और हम एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ के आ चुके हैं कि सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अब सेगमेंट का प्रोडक्ट तो हमेशा ही बराबर है, तो उसका मतलब क्या है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी, अच्छा ये सेंटर को ओ बोल दिया चलो क्योंकि सी यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो पी सी इंटू पी डी मतलब इस कॉर्ड की तरफ से विल बी इक्वल्स टू, क्यू आर भी एक कॉर्ड है, पी क्यू इंटू पी आर। और इस डायग्राम के हिसाब से जो क्यू आर है वो एक पर्टिकुलर कॉर्ड है जिसके लिए पी क्यू और क्यू पी आर बराबर है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, दिस इज नॉट टेंजेंट, ये ठीक है। पी क्यू क्या है? अगर हमें सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट दिया जाए, ये ठीक है, सेंटर को छोड़ के, जैसे ये पॉइंट पी दे रखा है, तो उस पॉइंट पी से पास करने वाला इनफाइनाइट कॉर्ड से, आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट कॉर्ड कॉर्ड्स देर विल बी एग्जैक्टली वन कॉर्ड विच विल बी बाइसेक्टेड बाय दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, तो इससे तो ऐसे पास करने वाला इनफाइनाइट कॉर्ड मिल जाएगा, बट उन इनफाइनाइट कॉर्ड में से केवल एक ही कॉर्ड ऐसा है जो उस पॉइंट पे बाइसेक्ट भी हो रहा होगा, मतलब जिसके लिए लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन बराबर होगा, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर कॉर्ड हो गया, उसका लेंथ जो होगा वो बेसिकली लेंथ क्या होगा, क्यू आर, तो जो उसके लेंथ का हाफ होगा दैट विल बी पी क्यू, तो उसका स्क्वायर के बराबर ये सारे प्रोडक्ट होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। दिस वॉज प्रॉपर्टी 8। मूविंग फॉरवर्ड प्रॉपर्टी 9, ठीक है। अभी जो हम बोल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लिया हमें सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट पी दिया जाए, ठीक है, सॉरी, सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट पी दिया जाए, ये मान लिया सेंटर है सी, तो इस पी से इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, और भी एक कॉर्ड हो गया ऐसे, बट इन इनफाइनाइट कॉर्ड में से एक कॉर्ड होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि जैसे मान लिया एक कॉर्ड हमारा हो गया ए बी, एक हो गया मान लिया सी डी, एक हो गया ई एफ, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कॉर्ड ऐसा हो गया जिसको मान लिया हमने पी क्यू आर ये बोल दिया, जो सी पी के 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो पी से इनफाइनाइट कॉर्ड पास कर रहा है, अगर मेरे से पूछा जाए कि इन सब कॉर्ड में पॉइंट सी से सबसे दूर कौन है, कौन सा कॉर्ड है, तो ऑफ कोर्स क्यू आर है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी किसी भी कॉर्ड पे, जैसे मान लिया सी डी लिया, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये आएगा, तो इसमें पी में और पी वन में, मतलब स्मॉल पी में एंड स्मॉल पी वन में, स्मॉल पी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो पी को हमने सेंटर से ज्वाइन किया, उसके परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होगा वो सेंटर से सबसे दूर होगा, ठीक है, सबसे दूर होगा, प्लस वो पी पे बाइसेक्ट होगा, ये ठीक है, प्लस वो सबसे छोटा होगा, सही, सबसे छोटा क्यों है, क्योंकि सेंटर से सबसे दूर है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल देन द कॉर्ड थ्रू पी विच इज बाइसेक्टेड बाइसेक्टेड एट पी, ये ठीक है, एंड विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू टू द लाइन ज्वाइनिंग पी विद सेंटर, ये ठीक है, विल बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल कॉर्ड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल कॉर्ड थ्रू पॉइंट पी, ठीक है। एक बार बहुत जल्दी रिकलेक्ट करते हैं क्या बोला हमने, कि एक पॉइंट पी दे रखा है और उस पी से तो इनफाइनाइट कॉर्ड पास करेगा, उन इनफाइनाइट कॉर्ड में से एक कॉर्ड ऐसा होगा जो पी पे बाइसेक्ट होगा, वही कॉर्ड ऐसा होगा जो पी सी के परपेंडिकुलर होगा, एंड वही कॉर्ड ऐसा होगा विच विल बी द मिनिमम पॉसिबल लेंथ, विच विल बी हैविंग मिनिमम पॉसिबल लेंथ, ये ठीक है, थ्रू पॉइंट पी, पी से पास करने वाला बाकी सारे कॉर्ड उससे बड़ा होगा, ठीक है। आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलूँ कि चलो ये तो सबसे छोटा हो गया, तो पी के थ्रू सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा, तो वो तो बहुत ईजी है, सबसे बड़ा कॉर्ड तो डायमीटर होता है, तो मैं अगर पॉइंट पी को सेंटर से मिला के आगे एक्सटेंड कर दूँ, तो ये जो कॉर्ड आया जो सेंटर से पास करा वो डायमीटर है, तो इससे बड़ा कॉर्ड कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो यही सबसे बड़ा कॉर्ड हो गया। तो पी के थ्रू अगर मेरे से पूछा है सबसे छोटा कॉर्ड कौन सा है, बता सकते हैं, पी के थ्रू अगर मेरे से पूछा है सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है, तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, दिस वॉज प्रॉपर्टी 9, देन विल गो फॉर प्रॉपर्टी 10। अगर हमसे पूछा है दो पॉइंट दिया जाए, ठीक है, तो इन दो पॉइंट से पास करने वाला, तो ऐसे करके एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया और तीसरा सर्कल हो गया, इनफाइनाइट सर्कल्स आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, तीन पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा अगर वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, ठीक है, मतलब तीन पॉइंट से दो सर्कल पास नहीं कर सकते, एक ही सर्कल पास कर सकते हैं। तो दो पॉइंट की बात करें, दो से तो इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, इन इनफाइनाइट सर्कल में से सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा जिसके लिए ये दोनों पॉइंट डायमीटर होगा, ठीक है, वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि इस सर्कल को छोड़ के अगर मैंने कोई भी दूसरा सर्कल लिया तो उसके लिए ए बी जो होगा वो एक कॉर्ड होगा, तो उसका डायमीटर ए बी कॉर्ड से बड़ा होगा, तो मतलब सर्किल बड़ा होगा, ठीक है। तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं, थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्कल्स विल पास, ठीक है, दो गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा, एंड आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट सर्कल्स द स्मॉलेस्ट विल बी द वन फॉर विच गिवन पॉइंट्स, मतलब ए कॉमा बी गिवन पॉइंट्स विल बी एंड्स ऑफ डायमीटर, एंड्स ऑफ ए डायमीटर, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, फेयर इनफ। पॉइंट नंबर 11,
पॉइंट नंबर 11 सेज कि कोई भी अगर हमने बाहर से पॉइंट लिया तो उससे हमेशा दो टेंजेंट खिंच जाएगा। ठीक है, मान लिया ये मैंने एक पॉइंट लिया तो इससे ऐसे दो टेंजेंट खिंच जाएगा। सिमेट्री से ये दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। ठीक है, अब टेंजेंट का लेंथ किसको बोलते हैं? अगर ये पी है, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, तो पी ए लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया ये। ठीक है, टेंजेंट टी वन के लिए, और पी बी जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया टेंजेंट टी टू के लिए। सिमिट्री से पी और पी बी बराबर होगा। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये हो गया। अगर बराबर नहीं होगा तो यू कैन सी कि अगर मैंने सर्किट को फ्लिप करके रख दिया ऐसी एज इट इज़ तो लेंथ तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर पी बी बड़ा होगा तो इधर सर्किल तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, ठीक है, ये मान लिया सेंटर है सी, ये 90 होगा ऑफ कोर्स क्योंकि नॉर्मल होगा। अगर मैंने पॉइंट पी को सेंटर से ज्वाइन किया, ठीक है, ऐसे करके, तो ये जो लाइन आएगा ये दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर होगा। अगेन फिर सिमेट्री से, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो जो पी सी है, पी सी को हम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट विल बी द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टेंजेंट्स। एक रिजल्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट क्या हो गया कि ये जो चार पॉइंट हैं पी ए सी बी, ये चारों कॉन्साइक्लिक हैं। क्यों है कॉन्साइक्लिक? क्योंकि शायद तुम्हें ये पता होगा कि कोई भी डायमीटर, ये ठीक है, ये डायमीटर, अगर ये डायमीटर है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 बनाता है, सॉरी सर्कमफ्रेंस पे 90 बनाता है। तो अगर मैं पी सी को डायमीटर लूँ तो ये 90 डिग्री है, तो पी सी को डायमीटर लेके बनाया गया जो सर्किल है वो ए से पास करेगा क्योंकि ए पे 90 आ रहा है। ऐसे ही पी सी को डायमीटर लेके बनाया गया सर्किल बी से भी पास करेगा क्योंकि बी पे भी 90 आ रहा है। ठीक है, और फिर एक टर्म हो गया कि अगर मैंने ए और बी को ज्वाइन किया, ठीक है, ए और बी क्या है? पी से ड्रॉन टेंजेंट्स के पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है। पी से जो ड्रॉन टेंजेंट है वो क्या है? पी ए पी बी, तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सर्किल के साथ? ए और बी। तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ए बी, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस लाइन का नाम है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑफ पी। पॉइंट पी का ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट पी का ये बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लिया पी को और कहीं ले लिया तो टेंजेंट्स चेंज हो जाएगा, तो ये लाइन भी चेंज हो जाएगा। तो उस पॉइंट का कोई दूसरा पॉइंट क्यों ले लिया, तो जो उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा वो एक डिफरेंट लाइन आएगा। ठीक है, अब इसी बात को हमने समराइज करके लिख दिया। पहला पॉइंट तो हमने क्या बोला? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू सर्कल एंड ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो दीज टेंजेंट्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब हमने इक्वल लेंथ का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट पी ए इज इक्वल टू पी पी। एक तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट नंबर दो कि ये तो खैर इस टर्म को ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, फिर और रिजल्ट क्या था कि जो पी सी है वो एंगल बाइसेक करेगा। ठीक है, तो तीसरा रिजल्ट क्या है? लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन सा पॉइंट? पी, ये ठीक है, विद सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर क्या है? सी। तो पी और सी को ज्वाइन करने में लाइन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन पी सी विल बाइसेक्ट एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी।
कहाँ से टेंजेंट खींचा गया, पी से, तो जो पी से टेंजेंट खींचा गया उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट कौन करेगा, जो भी पॉइंट पी को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन है वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गया, और क्या प्रॉपर्टी बचा, एक ये और बच गया कि पी ए सी बी ये चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो फोर्थ पी ए सी बी, पी ए सी बी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। पी ए सी बी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पी तो एक पॉइंट हो गया जो दे रखा है, गिवन पॉइंट। ए और बी क्या हो गया, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। जो भी पॉइंट पी दे रखा है उससे जो टेंजेंट खींचा उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो ए और बी हो गया, और सी क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको अगर हम पी ए सी बी ना बोल के प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम ये बोलेंगे गिवन पॉइंट, ये ठीक है, फिर कॉमा पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू सर्कल, इतना बोल के हमने क्या बोला, ए और बी, बस ए और बी एंड सेंटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होगा, ओके। तो 11 प्रॉपर्टी हो गया, आई थिंक दिस इज मोर और लेस सेम, और लिख दिया चलो प्रॉपर्टी 12, ठीक है। ये तो वैसे पहले लिखा जा चुका है, मतलब बोला नहीं है वैसे स्पेसिफिकली, तो कॉम्पिटिशन के लिए बोल दिया। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विल मेक इक्वल एंगल एट सेंटर एंड हेंस एट सर्कमफ्रेंस, ठीक है। मतलब कोई सर्कल लिया, अगर सेंटर से हमने अल्फा डिस्टेंस पे एक कॉर्ड लिया, ठीक है, तो वो जितना एंगल बनाएगा, मान लिया थीटा और इसका डिस्टेंस कितना है अल्फा, तो एक जो दूसरा कॉर्ड है, ठीक है, दूसरा कॉर्ड मान लिया जो दूसरा कॉर्ड है वो ये, अगर ये भी अल्फा डिस्टेंस पे है तो ये भी एंगल थीटा ही बनाएगा, ठीक है। बस ये बोला गया दिस इज थीटा एज वेल एज दिस इज थीटा, तो जो सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस दो कॉर्ड होगा वो बराबर एंगल बनाएगा। और हमें ये बताया कि जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाता है उसका हाफ एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाता है, तो अगर सेंटर वाले एंगल बराबर है तो सर्कमफ्रेंस वाले एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और लिख लिया, प्रॉपर्टी 13। मान लिया कि एक सर्कल को ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मतलब जो इसमें क्वाड्रिलेटरल बाहर है, अगर क्वाड्रिलेटरल अंदर होता सर्कल बाहर होता, मतलब अगर क्वाड्रिलेट सर्कल जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से पास कर रहा होता, तब तो हम बोलते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अभी हम क्या बोलेंगे, सर्कल अंदर है, सर्कल टच कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि ये मान लिया पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, तो डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दो लाइन है, ये और ये दोनों लाइन टेंजेंट है, तो इनका लेंथ बराबर होना चाहिए। तो मतलब अगर ये लेंथ अल्फा है तो ये भी अल्फा है, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स के लेंथ बराबर होता है। तो तुम बाकी डायग्राम को तो भूल जाओ, केवल तुम डी को देखो, डी को देखो और सर्कल को देखो, तो जो डी ए और डी सी है वो दो टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट डी एस एंड डी पी हो गया, तो वो बराबर होना चाहिए।
सिमिलरली फिर मैं अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तो मान लिया ये बीटा है तो ये भी बीटा है, अब सिमिट्री से अगर ये गामा है तो ये भी गामा है, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा है, यहाँ तक ठीक है। तो सी डी और ए बी का सम कितना हो जाएगा, ये अल्फा प्लस डेल्टा हो गया, ये बीटा प्लस गामा हो गया, तो जो ऑपोजिट साइड है स्क्वाड्रिलेटरल का सी डी एंड ए बी उनका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ऐसे अगर मैं सी बी मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड ए डी इन दोनों को जोड़ूं, इनका लेंथ को मतलब अगर हम सम करें तो भी अगेन यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी एंड बोथ आर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये एक प्रॉपर्टी हो गया, नया प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड, ये ठीक है। सर्कल कैन बी इंस्क्राइब का मतलब क्या है कि अगर मान लिया ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल इंस्क्राइब ना हो पाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर मान लिया मैं सी को यहाँ से जो बी सी है वो ऐसे डिस्टर्ब कर दूँ, ठीक है, तो अब ये तीन साइड को तो टच कर रहा है, फोर्थ साइड को टच ही नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला कि इसको लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड विल बी इक्वल, मतलब टोटल चार साइड्स हैं तो दो दो पेयर बन जाएंगे, ऑपोजिट साइड एक तो ये हो गया, फिर एक ये दोनों वाला अपोजिट साइड हो गया, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होगा, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप दिस मच शुड बी सफिशियंट, और आई थिंक दिस इज फेयर इनफ, बस।